तो भाई ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी सारे बंदों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमें फास्ट मूवमेंट के लिए, फास्ट जिगल के लिए क्या अपनी जोस्टिक का साइज़ रखना है और किस तरीके से अपनी जोस्टिक का प्लेसमेंट करना है, मतलब बेसिकली हमें अपनी जोस्टिक रखनी कहाँ पर है। और भाई ऐसे ही आपके जोस्टिक से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, आप लोगों के जितने भी जोस्टिक से रिलेटेड इशूज़ हैं, वो सभी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और हाँ गाइज, अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड या फिर मेरी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितने भी कमेंट आने वाले हैं, मैं वो सभी कमेंट्स का एक एक करके रिप्लाई करने वाला हूँ। तो भाई जो भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को जोस्टिक प्लेसमेंट के बारे में बता देता हूँ। तो भाई अगर तुम फर्स्ट कंट्रोल लेआउट यूज़ करते हो ना, तो भाई इसमें अगर आप लोगों की जोस्टिक लेफ्ट साइड में है तो आपका जो भी लेफ्ट का एरिया है ना स्क्रीन में, वो पूरा का पूरा भाई आपका मूवमेंट के लिए हो जाएगा और राइट वाला एम के लिए हो जाएगा। और फर्स्ट कंट्रोल लेआउट में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी जोस्टिक को कहाँ पे रखा हुआ है। जहाँ पे भी आप अपने थंब को रखोगे, आपकी जोस्टिक का सेंटर वहीं पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब गाइस मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझा देता हूँ। मैंने अपनी जोस्टिक को राइट में रखा हुआ है, पर जब मैं लेफ्ट में टच कर रहा हूँ ना अपनी स्क्रीन को, तो भाई मेरी ऑटोमेटिकली जोस्टिक वहीं से काम कर रही है। और गाइस आप अपनी लेफ्ट की स्क्रीन में आप कहीं भी टच करोगे ना, आपका मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। और यहाँ पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपने अपनी जोस्टिक को ऊपर लगाया हुआ है, नीचे लगाया हुआ है, या फिर थोड़ा लेफ्ट राइट लगाया हुआ है। आप जहाँ पे भी अपनी स्क्रीन में टच करोगे, आपकी जोस्टिक वहीं से काम करने लग जाएगी। और वहीं पे अगर आप अपनी जोस्टिक को राइट साइड में ले आते हो, तब क्या होगा कि आपकी लेफ्ट की स्क्रीन एम के लिए हो जाएगी और राइट वाली पूरी की पूरी आपकी स्क्रीन हो जाएगी आपकी जोस्टिक के लिए। सो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड कंट्रोल लेआउट की। सो गाइस अगर आप लोग थर्ड कंट्रोल लेआउट में खेलते हो, तो आपकी यहाँ पे पूरी स्क्रीन एम के लिए होती है। बस आपका जो जोस्टिक वाला पार्ट होता है, ये होता है आपका मूवमेंट के लिए। मतलब कि अगर आप अपनी जोस्टिक के लेफ्ट या राइट में गलती से टच कर देते हो, तो भाई वहाँ पे आपका करेक्टर मूव नहीं करेगा, उल्टा आपका एम खराब हो जाएगा। सो गाइस अगर आप लोग थर्ड कंट्रोल लेआउट में खेलते हो, तो यहाँ पे आपकी जोस्टिक प्लेसमेंट सही होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर सवाल तो यह है ना कि भाई जोस्टिक प्लेसमेंट हमें ढूंढनी कैसे है, भाई हमें पता कैसे चलेगा कि हमें अपनी जोस्टिक रखनी कहाँ पे है। तो भाई अपने लिए परफेक्ट जोस्टिक प्लेसमेंट ढूंढने के लिए तुम्हें भाई अपने थंब को अपनी स्क्रीन पर रखना है, और जहाँ पर भी तुम्हारा थंब नेचुरली रेस्ट कर रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर, उसी जगह पर तुम्हें अपनी जोस्टिक का भाई सेंटर रख देना है, और भाई वही तुम्हारे लिए परफेक्ट जोस्टिक प्लेसमेंट होने वाली है। ओके, तो भाई अब हम बात करने वाले हैं कि भाई हमें अपनी जोस्टिक का साइज़ कितना रखना है और क्या साइज़ मैटर करता है, मतलब जोस्टिक का। तो भाई देखो, काफ़ी सारे बंदों को ऐसा लगता है कि छोटी जोस्टिक रखने से उनका मूवमेंट फास्ट हो जाएगा और बड़ी जोस्टिक रखने से उनका मूवमेंट एक्यूरेट हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों के जोस्टिक के साइज़ से आपकी स्पीड पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। अब गाइस मैं आप लोगों को साइड बाई साइड कंपेरिजन दिखा देता हूँ। सो गाइस जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हो, मैंने लेफ्ट साइड अपनी इस जोस्टिक का साइज 50 रखा हुआ है और राइट साइड मैंने अपनी जोस्टिक का साइज 250 रखा हुआ है। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो मूवमेंट स्पीड दोनों में ही बराबर है, मतलब कि जोस्टिक साइज कुछ भी रखो, आप लोगों की मूवमेंट स्पीड वही रहने वाली है। तो क्या अब इसका मतलब ये है कि जोस्टिक साइज कुछ भी रखो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता? वेल, इसका आंसर हाँ भी है और ना भी। अब गाइस अगर आप लोग फर्स्ट कंट्रोल लेआउट में खेलते हो, तो वहाँ पे आपके जोस्टिक के साइज़ से आपके गेम प्ले में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और गाइस अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि जोस्टिक का साइज़ मैटर करता है, तो आप अपनी जोस्टिक का साइज़ फुल करके उसकी ट्रांसपेरेंसी जीरो करके एक टीडीएम खेल लेना, और फिर उसके बाद आप एक टीडीएम खेलना अपनी जोस्टिक का साइज़ पूरा छोटा करके। और गाइस आप लोग नोटिस करोगे कि कोई भी डिफरेंस नहीं है वहाँ पे। पर लेकिन अगर आप थर्ड कंट्रोल लेआउट यूज़ करते हो, तब आपको अपनी जोस्टिक का साइज़ बड़ा ही रखना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं कि अगर आप अपनी जोस्टिक का साइज़ छोटा रखोगे, तो भाई पैनिक सिचुएशन में आप अपनी जोस्टिक के बाहर टच कर दोगे और भाई आपका करेक्टर वहाँ पर मूव ही नहीं करेगा। और गाइस आपने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स को भी देखा होगा जो अपनी जोस्टिक साइज़ को बड़ा रख के खेलते हैं, और वो इसलिए खेलते हैं क्योंकि वो उस टाइम पे थर्ड कंट्रोल लेआउट को यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि थर्ड कंट्रोल लेआउट में अगर आप छोटी जोस्टिक को यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे ना भाई मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और भाई कॉम्पिटिटिव में अगर आप छोटी सी मिस्टेक भी करते हो ना, तो वो आपकी पूरी टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। और भाई मैं एक चीज़ फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, आप भले ही छोटी जोस्टिक यूज़ करो या फिर आप बड़ी जोस्टिक यूज़ करो, आपकी मूवमेंट स्पीड दोनों ही केसेस में सेम रहने वाली है। और भाई मेरे पास ना आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई हमारी जोस्टिक उतनी ज़्यादा स्मूथ वर्क नहीं करती है, हमारी मूवमेंट स्टक हो जाती है। तो देखो भाई उसके ना बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न हो सकता है कि भाई आप सुबह सुबह क्लासिक्स में घुस जाते हो भाई बिना ट्रेनिंग करे, तो भाई पहले ना आप लोगों को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करनी चाहिए, टीडीएम खेलनी चाहिए, ताकि आपकी मूवमेंट की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। और भाई अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो भाई तुम्हारे डेफिनेटली यार क्लासिक में मूवमेंट स्टक होनी ही वाली है। और भाई दूसरा रीज़न हो सकता है कि भाई आपका जो टच गार्ड है ना फ़ोन का, वो पुराना हो चुका है या फिर बहुत ज़्यादा घिस चुका है। क्योंकि भाई जब हमारे टच गार्ड में ना बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाती हैं, तब हमारी मूवमेंट उतनी ज़्यादा स्मूथ वर्क नहीं करती है। और गाइस थर्ड रीज़न हो सकता है कि भाई आपको खेलते हुए ना हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है,
और गाइस अगर आप लोगों को खेलते हुए पसीना आता है ना हाथों में तब आपको फिंगर स्लीव्स यूज़ करनी चाहिए। और गाइस अगर आप लोगों के अभी भी कोई डाउट है तो भाई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और भाई अगर आप लोगों को प्रीवियस वीडियो से भी रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। इस वीडियो में जितने भी कमेंट्स करने वाले हो तुम लोग, वो सभी कमेंट्स के मैं एक एक करके रिप्लाई करने वाला हूँ। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि अगर आप फर्स्ट कंट्रोल लेआउट में खेलते हो तो वहाँ पर आपकी जॉयस्टिक प्लेसमेंट और आपकी जॉयस्टिक का साइज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, पर लेकिन अगर आप लोग थर्ड कंट्रोल लेआउट में खेलते हो वहाँ पे आपकी जॉयस्टिक साइज़ और आपकी जॉयस्टिक प्लेसमेंट दोनों ही बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और थर्ड कंट्रोल लेआउट में आपको अपनी जॉयस्टिक का साइज़ हमेशा बड़ा रखना चाहिए। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।